अर्श के पहाड़ पर चढ़ते हुए। बढ़िया हो जाएगी सारा काम, और थोड़े दिनों की बात है। ये कब का ट्रक गया हुआ, अभी यहीं तक आया है ना? क्या अभी में हाँ, लेकिन इतनी दूर पहुंचा अभी तक। नहीं वो तो बोला पहले आया था ना। बहन जी आपके वृंदावन की क्या खास बात है? ब्रह्मा जी की, भगवान की विजय प्रिय वृंदावन, ब्रह्मा जी की रचना में वृंदावन। अच्छा, सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने, तो वृंदावन की उसकी रचना में नहीं आता है? नहीं आता है। वृंदावन जो है भगवान की हृदय स्थली है, भगवान जी का हृदय वृंदावन। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान का हृदय है, उसकी वृंदावन की जो रचना की वो दादाजी ने की है। अच्छा अच्छा, भाई सृष्टि का रचयिता तो ब्रह्मा जी को माना गया ना, लेकिन आप ये कह रहे हो कि उस रचना के अंदर वृंदावन की जो जगह है वो नहीं है। मैं वहाँ पे एक चीज नहीं देखे आया, गोवर्धन वो नहीं देखे आया। गोवर्धन तो भगवान ने मतलब उठाया अंगुली पे, हाँ वो अंगुली पे उठाया ना, वो चीज नहीं देखे आया। आप आइए सब कुछ घुमाएंगे। मतलब वहाँ पे कोई, वहाँ पे ऐसा है क्या कोई, जैसे पर्वत के नीचे श्री कृष्ण भगवान की अंगुली लगी लगी हुई दिखाई दे रहा हो, कोई मूर्ति वगैरह ऐसे? मेरा कहने का मतलब वहाँ पे ऐसा है क्या कुछ मूर्ति वगैरह, जैसे पुरानी मूर्ति हो और उसके ऊपर पहाड़ हो और नीचे श्री कृष्ण भगवान खड़े हो, है ऐसा? मुखारबिंद मतलब उस पर्वत का जो मुखारबिंद है, उग्रास पर्वत का, हाँ उसका जो मुख है, वहाँ पे एक कपिला गाय, एक गाय सतई जाती थी भाई साहब, कपिला गाय है। हाँ गीता में भी, गीता है ना श्रीमद भगवद गीता, उसमें भी इसका वर्णन है, कपिला गाय, काली गाय को कहते हैं कपिला। कपिला गाय निकल के जाती थी कुंड में से। अच्छा, उन्होंने से अपने आप को कुंड में रखा था उस पर्वत पे। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध कौन निकाल लेता है? तो एक बार उसने पीछा किया तो जाके देखा वो पर्वत पे खड़ी है, पर्वत पे उसने दूध की दाल टप करी है। अच्छा अच्छा, फिर उसने क्या किया, फिर उसने लोगों पे इकट्ठा किया, तो वहाँ खुदाई करवाई, तो वहाँ पे वो भगवान निकला मुखारबिंद, जो कि आज भी है मुखारबिंद। हाँ, और गिरजाती से एक गुफा गई है जो कि श्रीनाथ जी जाती है, श्रीनाथ जी जाती है। हाँ, गिरजाती से गिरिराज भगवान, गिरिराज जिन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया है, कृष्ण भगवान उस जाते। अच्छा अच्छा, इतनी दूरी गुफा की, वहां से लेके नाथ द्वारा, नाथ द्वारा तो राजसमंद और सिरोही जिले में पड़ता है।